अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनाली। अगेन वी आर बैक हियर विद अवर न्यू टॉपिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट the analytical skills of the reader, also how the reader deduce from the given passage and how at what extent he gets closer to the mind of the author. All these skills are tested by this reading comprehension. So let's start with the topic. Why does the UGC want to increase the direct teaching hours of university teachers? Direct teaching hours of university teachers. So let's find out. University direct teaching is the product of budgetary cutback rather than pedagogic wisdom. Pedagogic means which is related to education. So the university grant commission directives to college and university lecturers to spend a minimum of 22 hours of week in direct teaching is the product. Ye product means ye result jo hai wo kis liye hai? 22 years of week direct teaching karne se kya result aa gaya, kyun hai ye, matlab ye, sorry, ye 22 hours of week ye किस लिए बोला गया है यूजीसी ने? बिकॉज उनके पास बजटरी कटबैक है, बजट नहीं है, पैसे नहीं है उनके पास, इसलिए। तो अपने ऑप्शन में ये इस टाइप का कहीं है क्या? यूजीसी फील्स दैट द ड्यूरेशन और कॉन्टैक्ट बिटवीन द टीचर एंड द टॉट शुड बी मोर, ये नहीं है। यूजीसी वॉन्ट्स टीचर्स टू स्पेंड मोर टाइम इन द डिपार्टमेंट मेरिट्स, ये भी नहीं है। यूजीसी वॉन्ट्स टीचर्स टू डिवोट सम टाइम टू इम्प्रूव यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स को यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या इम्प्रूव करने के लिए टाइम डिवोट करना है, ऐसे यूजीसी को लगता है, इसलिए नहीं। बट यूजीसी डज नॉट हैव मनी टू अपॉइंट एडिशनल टीचर्स, इसलिए एक ही टीचर से उनके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाए गए हैं जो 22 आवर्स किए गए हैं पर वीक। तो ये अपना आंसर है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज एज मेंशन इन द पैसेज। सॉरी स्टेट मीन्स वेरी बैड कंडीशन, सॉरी स्टेट्स ऑफ अफेयर्स मीन्स वेरी अनसाउंड कंडीशन, वेरी बैड स्टेट ऑफ कंडीशंस जो है इंडियन यूनिवर्सिटी में वो क्या है? द अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे पैसेज में जाके कहाँ पे हमें आ जाता है ये। यूनिवर्सिटी के कंडीशन की बात की गई है। थैंक्स टू ईयर्स ऑफ सस्टेन फाइनेंशियल निगलेक्ट्स most of Indian universities and college do not research worth the name. Worth the name means मैं जितना research किया है, जितना research वो करना चाहते हैं या तो उन्होंने किया हुआ है या तो करते हैं, do not, तो उनमें से क्या है कि हमें क्या देखना है, दिस वॉज नहीं, ऑल ऑफ अस आर वेल अवेयर ऑफ द अनसाउंड स्टेट दैट द इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम इज इन टूडे। तो ये हमें पता है इंडियन, ये हमारा कीवर्ड है अनसाउंड स्टेट ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इसका किस लिए है? थैंक्स टू ईयर्स ऑफ सस्टेन्ड फाइनेंशियल निगलेक्ट, जो फाइनेंस है उसको निगलेक्ट किया गया, मतलब पैसे नहीं दिए गए, नॉट गेटिंग इनफ फाइनेंशियल हेल्प। तो ये जो अपना आंसर है तो ये यहाँ पे है, नॉट गेटिंग इनफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये इमिजिएटली उसके बाद में ही है, जो अपना जो कीवर्ड है हमने अभी देखा था सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो अनसाउंड स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसके इमिजिएटली बाद में हमारा ये आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट आर और इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज,
इन तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या तीनों भी सही है तीनों भी गलत है, और एनी वन ऑफ देम आर ट्रू. हमें ट्रू सेंटेंस फाइंड आउट करने हैं, राइट. मोस्ट कॉलेजेस डू नॉट कैरी आउट रिसर्च विद द नेम. तो हमने अभी ये जस्ट पढ़ा था, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस डू नॉट कैरी आउट रिसर्च विद द नेम. तो ये तो ए तो है ही. देन सेकेंड क्या बोला है, यूजीसी वॉन्ट्स लेक्चरर्स टू स्पेंड मिनिमम 22 आवर्स अ वीक इन डायरेक्ट टीचिंग, विच ऑल्सो वॉज देयर इन अवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस ऑल्सो इज ट्रू. और देन इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम इज इन अनसाउंड स्टेट. ये जो पहले हमने जो तीनों भी देखे हैं वो तीनों भी यहाँ पे कवर हो रहे हैं, तो ऑलरेडी ऑब्वियसली अपना आंसर है ये. देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसाइड्स डायरेक्ट टीचिंग यूनिवर्सिटी टीचर स्पेंड्स कंसिडरेबल टाइम इन और किसमें वो बिसाइड्स. बिसाइड्स का मीनिंग है बिसाइड्स मतलब इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी टीचर्स अपना जो टाइम है वो कहाँ पे स्पेंड करते हैं. मतलब सिर्फ यूनिवर्सिटी टीचर्स को पढ़ाना ही नहीं होता है, बट इसके अलावा उनको क्या करना होता है डायरेक्ट टीचिंग में. तो ये हम देखते हैं कहाँ पे है. बिसाइड का मतलब इसके अलावा, तो इसके अलावा मीन्स एज वेल एज भी उसके साथ आ सकता है, या तो बिसाइड भी आ सकता है. सो लेट्स फाइंड आउट भैया. हाँ सी, इफ वन कंसिडर्स द अमाउंट ऑफ टाइम एकेडमिक्स रिक्वायर टू प्रिपेयर लेक्चर्स ऑफ गुड क्वालिटी, दिस शुड बी अ क्वालिटी एज वेल एज आई सेड बिसाइड्स का मीनिंग एज वेल एज द टाइम दे नीड टू स्पेंड डूइंग रिसर्च. तो ये भी उनको करना है. तो ये अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन ऑप्शन ये सी में, कैरी आउट रिसर्च इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, राइट. आई एम सॉरी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज. हियर अगेन नॉट ट्रू. UGC wants teacher to spend minimum 40 hours in a week in teaching. See, अभी हमने पहले ही first question में या तो first या second question में देखा था, जो paragraph की first line थी वही it was already mentioned over here that minimum 22 hours a week in direct teaching. So obviously ये जो 40 hours का जो funda है is not correct. So ये पहला statement अपना आंसर है, तो हम आगे चलेंगे ही नहीं. सो लेट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. बिटवीन 1985 टू 1997 द नंबर ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन पर मिलियन पॉपुलेशन इन इंडिया. सो नाउ ऑलरेडी द नंबर्स हैव बीन गिवन ओवर हियर, सो वी विल जस्ट यू नो कॉन्सेंट्रेट फोकस अवर we will focus on these numbers itself. 1985 and 1997 के का जो ये पैसेज, ये जो पैसेज है यहीं पर कहीं अपना आंसर होने के पॉसिबिलिटी है. सो क्या बोला है, द नंबर ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन पर मिलियन पॉपुलेशन की बात की है. पर मिलियन पॉपुलेशन ये वर्ड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर मिलियन पॉपुलेशन कितना है. द टीचर्स इन हायर एजुकेशन पर मिलियन पॉपुलेशन ग्रू बाय मोर देन 10% इन द सेम पीरियड
इन इंडिया इट फेल बाय 1%. सो यहाँ पे हमें इंडिया में बात की गई है, राइट? अभी ये जो 10% की बात की गई है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड की बात की गई है, बट देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होने के बहुत चांसेस है. सो यू नीड टू रीड योर सेंटेंस वेरी वेरी माइन्यूटली एक्चुअली, क्योंकि 10% की बात की गई है थ्रू आउट द वर्ल्ड के लिए और इंडिया की बात की गई है 1% के लिए. तो ये जो 1% है ये नंबर में नहीं दिया गया है, ये जस्ट वर्ड में दिया गया है. तो ये इसका भी ध्यान रखना है कि ये स्किप ना हो जाए रीडिंग में. और यही अपना आंसर है. सी हियर, आंसर ई, ऑप्शन ई इज आवर आंसर. डिक्रीज्ड, हमें फेल होना मतलब डिक्रीज होना, कम डाउन करना. तो ये वन, क्योंकि हमारा यहाँ पे इन इंडिया की बात की गई, नॉट इन द वर्ल्ड. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. सो यू हैव टू बी वेरी मिटिक्यूलस वाइल रीडिंग. नेक्स्ट है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज. अभी यहाँ पे नॉट ट्रू की बात की गई, राइट? सो इंडियन यूनिवर्सिटीज आर फाइनेंशियल निग्लेक्टेड. ये तो था, ये तो हमने पढ़ा था, ये तो हमें मालूम है. ऑल ओवर द वर्ल्ड द यूनिवर्सिटी लेक्चर्स हार्डली स्पेंड मोर देन 12 to 15 आवर्स अ वीक इन डायरेक्ट टीचिंग. तो ये कहीं पे है क्या 12 to 15 आवर्स? यहाँ पे सिर्फ नंबर पे ध्यान देना है हमें. 12 to 15 आवर्स का कहीं फंडा है यहाँ पे? लेक्चर्स रेयरली स्पेंड देन 12 to 15 आवर्स इन डायरेक्ट. यस, ये है. तो हमारा सेकेंड भी ऑप्शन है, तो ये ट्रू है. ओके, ये ट्रू है. हमें नॉट ट्रू फाइंड आउट करना है. इंडियन यूनिवर्सिटीज आर आस्क्ड टू रिड्यूस स्टाफ स्ट्रेंथ बाय 10%. अगेन हम लोग पैसेज में जाते हैं. स्टाफ की कहीं बात की गई है यहाँ पे? स्टाफ की बात नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे देखो सेंटेंस है, कंप्लीट फ्रीज ऑन ऑल परमानेंट रिक्रूटमेंट. तो ये रिक्रूटमेंट जो है मतलब स्टाफ को रिक्रूट करना फ्रीज किया गया है कंप्लीटली. तो ये भी सेंटेंस सही है. ओके, फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात. और मलेशिया स्पेंड्स मोर मनी ऑन एजुकेशन देन थाईलैंड. ये हम एक ही इसमें चेक कर लेते हैं एट वन गो. पब्लिक इन्वेस्टमेंट की तो बात यहाँ पे कहीं आ नहीं रही है. हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली. ये देखो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन हैज एक्चुअली डिक्लाइन की बात की गई है, राइट? तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो गया है और हमारे ऑप्शन में दिया है इंक्रीज्ड. ये देखो, इंक्रीज इन इंडिया. तो ऑब्वियसली ये नॉट ट्रू है. तो एक ही फाइंड आउट करना था, तो ये तो होगा ही होगा, बिकॉज वो था वहाँ पे थाईलैंड. और ये अभी मैंने देखा, ये देखो, मलेशिया और थाईलैंड, 60% इन मलेशिया एंड 20% थाईलैंड. तो मलेशिया का थाईलैंड से ज़्यादा है परसेंटेज एजुकेशन लेवल. तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो अपना आंसर है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट, सी डी इज अवर आंसर. व्हाट इज द यूजीसी डायरेक्टिव टू द यूनिवर्सिटीज? यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को कौन से डायरेक्टिव्स दिए हैं? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, स्पेंड टाइम ऑन रिसर्च एक्टिविटीज, डू नॉट अपॉइंट एनी परमानेंट टीचर. यस, ये जो हमने पहले ही देखा हुआ था. देखो,
ये मोस्टली ये जो क्वेश्चंस है वो पहले जो आए हैं उसमें से थोड़े दे हैव ऑलरेडी रीशफल्ड सम क्वेश्चंस ओवर हियर, सो यू विल गेट द आंसर्स क्विकली ओवर योर. सो प्रोवाइड कंप्यूटर इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं, बिकॉज नाउ वी हैव ऑलरेडी हैव दिस आंसर. ये तो फ्रीज करना है, अपॉइंटमेंट फ्रीज करना है, रिक्रूटमेंट फ्रीज करना है. सो इन दैट सेंस इट हैज़ कम, डू नॉट अपॉइंट एनी परमानेंट टीचर. तो ये अपना यहाँ पे ही आया था, राइट. फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ. Now the UGC says universities, UGC ने यूनिवर्सिटी को दिया है मस्ट इम्प्लीमेंट. यूनिवर्सिटीज़ ने ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मतलब ये डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं जो यूनिवर्सिटी ने इम्प्लीमेंट करना चाहिए. कम्प्लीट फ्रीज ऑन ऑल परमानेंट रिक्रूटमेंट एंड देर आर अदर ऑल्सो विच हैज़ नॉट बीन मैंशन इन द ऑप्शन. सो वॉट एवर वी नीड वी हैव ऑलरेडी गॉड. सो राइट, ओके. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज. वॉट इज द आयरनी बिहाइंड द ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. This passage is too small to read and we will definitely find our answers very quickly among this. So, क्या पूछा गया है? Overpopulation of India में irony क्या है? The tragedy is that while overpopulation, we are focusing on our keyword overpopulation, right? So keep in that mind. Or well, overpopulation accentuates poverty. The country's stark poverty itself is in many areas a major cause of overpopulation. So accentuates ka meaning hai badhna, to increase. To ye jo over पॉपुलेशन है, द ट्रेजेडी इज दैट वाइल ओवर पॉपुलेशन एक्सेंचुएट्स पॉवर्टी. द जो जब भी ओवर पॉपुलेशन पॉवर्टी ओवर पॉपुलेशन पॉवर्टी बढ़ाता है. द कंट्रीज स्टार्क पॉवर्टी मीन्स जो हार्श एकदम गहरी डार्क पॉवर्टी है, जो बहुत पॉवर्टी है कंट्रीज में, इट्सेल्फ इज इन मेनी एरियाज अ मेजर कॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन. मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ओवर पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी. सो इन दैट काइंड ऑफ सेंस डू वी हैव एनी सेंटेंस अमॉन्ग्स द ऑप्शंस. ओवर पॉपुलेशन गिव्स बर्थ टू पॉवर्टी विच मीन्स पॉवर्टी इट्स सेल्फ इज द कॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन. आयरनी ये है कि जो जिसको बर्थ देता है, जो जिसके जिसका कारण है, वो दोनों भी एक दूसरे से को रिलेटेड है. सो दैट वे इट इज देयर. तो आयरनी ये है कि हम इसको कारण इसका बताते हैं, जो इसको ओवर पॉपुलेशन को पॉवर्टी बद देता है, लेकिन पॉवर्टी की वजह से ही, ओवर पॉपुलेशन की वजह से ही पॉवर्टी आती है. सो वी हैव अवर आंसर इन ऑप्शन ए. व्हाट इज़ द जनरल टोन ऑफ दिस पैसेज? इज इट फनी? नो. समवेयर ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट फनी एट ऑल. सो दिस इज नॉट अवर, दिस इज सोम्बर. सोम्बर यानी कि वेरी डार्क, वेरी डल, वेरी डिप्रेसिव काइंड ऑफ थिंग्स. सो येस, this is the tone of the passage. This is not didactic. Didactic means informative. इसमें information नहीं दी गई है. And this is not tragic. किसी की एकदम बहुत दुख भरी कहानी नहीं सुनाई है इसमें. तो अगर इसमें दोनों में से confusion है, तो ये देखना है कि ये mostly storytelling और that kind of thing में आता है. But ये जो है, ये किसी एक रियल ट्रुथ जो होता है, जिसकी डार्क साइड भी होती है, वो सोम्बर काइंड ऑफ पैसेज में आता है. तो जस्ट फोकस ऑन दैट. सोम्बर इज अवर आंसर. व्हाट इन द ऑथर्स व्यू सीवियरली अफेक्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अवर कंट्री?
इकोनॉमिक ग्रोथ किसने अफेक्ट किया है, तो नेचुरली ओवर पॉपुलेशन ने. अपना आंसर वैसे भी है यहाँ पे, बट इकोनॉमिक ग्रोथ ये तो एक लॉजिक भी है, बिकॉज देखो ओवर पॉपुलेशन इन मोस्ट ऑफ द प्रेसिंग ऑफ इंडियाज न्यूमरस मल्टीफेसेटेड प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट इट हैज़ कॉज्ड इक्वली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एज पॉवर्टी, राइट. तो पॉवर्टी, अंडर नरिशमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड. इनडिस्प्यूटेबली कंट्री हैज़ फेसिंग द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ क्राइसिस डाइवर्जन. तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है दैट नेशन हैज़ मेड ड्यूरिंग द लास्ट फोर डिकेड और सो, सी द कंट्री हैज़ बीन फेसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. What is the author's views severely affects the economic growth of our country? तो economic growth country में over population की वजह से ही आ गया है, ये अपना answer है. Next, what according to the author is the biggest reason behind the overpopulation? Obviously a poverty. Biggest reason, these are also the reason, but here it has been said that biggest reason, so we will choose poverty as our answer. Then it has largely diluted the fruits, hai ye, fruits of remarkable economic progress. Diluted means usme se ekdam डायल्यूट करना, जब हम किसी चीज़ में कोई चीज़ मिला के उसको क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, पतला कर देते हैं. तो ओके, यहाँ पे क्या पूछा है, फाइन एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. तो ये एक्चुअली अंडरलाइन था, ये डायल्यूटेड वर्ड अंडरलाइन था, विच टेक्निकली थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होने की वजह से वो नहीं आ चुका था. तो इट हैज़ लार्जली डायल्यूटेड, तो डायल्यूटेड मतलब एक चीज़ थोड़ी सी लॉजिकली देखना है कि डायल्यूट कुछ भी चीज़ करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं, जो ठीक होती है उसको ही डायल्यूट करते हैं, मतलब हम लोग पतला कर देते. तो वो जो वेरी डायल्यूट के अपोजिट, उस सेंस में यहाँ पे कौन सा एंटोनिम बैठ रहा है, अगेंस्ट एक अपोजिट देखना है हमें, राइट. कोलसेस्ट का मीनिंग है मर्ज या कंबाइंड, तो ये कंबाइंड नहीं है. कंपाउंडेड मीन का मतलब भी होता है कंबाइंड, जो मर्ज करना है, पूरा ब्लेंड करना है, नहीं. चिपंड मतलब पूरा रिड्यूस करना है, लोअर करना है, वो भी नहीं. कंसोलिडेटेड मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड, तो ये अपना आंसर है. ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज. टू ईट which varieties of caterpillars build shelters to protect themselves. Protection की बात आ गई यहाँ पे और shelter की बात आ गई है. तो यहाँ पे देखो protect किससे, predator से, शिकारी से. क्या करता है the leaf roller reduces its risk of being picked off by the predators. वो अपनी risk reduce करता है कि कोई शिकारी उसको उठा ले. तो कैसे करता है, मतलब वो अपने अपना खुद का प्रोटेक्शन कैसे करता है, दिस मीन्स दैट बाय सिल्किंग टुगेदर अ टेम्पररी शेल्टर. ये है, तो हमें पूछा गया कि कौन से कैटरपिलर है, तो एक तो हो गया लीफ रोलर, एंड सेकेंडली दूसरा है एक जेली स्लग है, बट वो क्या करता है, स्टिकी ट्रांसलूसेंट कोटिंग जो है वो अपने से जिस जो बहुत ही गंदा तरीके से रहता है, जिससे जो मराउडिंग एंट्स रहते हैं, बहुत ही अटैकिंग एंट्स रहते हैं, उनके माउथ पार्ट्स को वो स्टिक होता है. लेकिन ये हमें शेल्टर की बात की, तो शेल्टर मतलब कुछ तो बनाना, और तो शेल्टर यहाँ पे दूसरा कौन सा एक लेट्स फाइंड आउट एनी अदर दिस कैटरपिलर है. एक्वाटिक लार्वा, वॉट इट डज, हाइड आउट फ्रॉम फ्रेगमेंट्स ऑफ एक्वाटिक लीव्स. तो एक्वाटिक लीव्स से वो अपना शेल्टर बना लेता है. सो द सी
एक्वाटिक लीव में वो देखो स्पेंड्स एंटायर लार्वल लाइफ इनसाइड इट्स होस्ट प्लांट, तो वो अपना एक शेल्टर एक्वाटिक लीव्स में बना लेता है, पानी के जो पत्ते रहते हैं पौधे रहते हैं उसमें ये, तो अपना आंसर है एक्वाटिक लार्वा और लीफ रोलर ए, राइट। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटरपिलर प्रोड्यूसेस अ स्टिकी कवरिंग, ऑब्वियसली जेली स्लग, जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट, सो लेट्स मूव ऑन। Following which one of the following pairs of words in the passage describes enemies of the caterpillar? Caterpillar के enemy कौन है? तो एक तो हमने देखा था predator और एक marauding means very marauding ants जो है, जो वो क्या है स्टील करती है, किसी चोरी करती है, इसे अटैक करके वो कुछ स्टील करती है कुछ भी चीज़ें, तो वो एंड यानी कि जो चिटिया रहती है, तो ये दोनों की बात की गई है, तो यही अपने आंसर है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स इट्सेल्फ अनपैलेटेबल, अनपैलेटेबल कौन करता है खुद को, अगेन जेली स्लग करता है, क्योंकि जेली सॉरी ये है जेली स्लग, अनपैलेटेबल का मीनिंग है जो जिसके पास जाने से कुछ मतलब वो अनइनवाइटेबल है, मतलब उसके पास वो ऐसी कुछ चीज़ है जो किसी को पास आने नहीं देती है, सो हु इज़ लाइक अनअपीलिंग है, जो ज़्यादा किसी को जिसको देख के कोई उसके पास ज़्यादा जाएगा नहीं, सो दैट वे दैट आंट्स सी जेली स्लग विच यू नो दे इट एक्सक्रूड सम काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम हिज स्टिकी थिंग्स राइट, ही एक्सक्रूड्स दैट, सो हियर इट इज सेड दैट ही एक्सक्रूड्स द स्टिकी ट्रांसल्यूसेंट कोटिंग विच मे फाउल द माउथ पार्ट्स ऑफ द मराउडिंग एंड्स, तो उसका जो मराउडिंग एंड्स जो होती है उसके जो माउथ पार्ट्स वो ख़राब कर देती है, इसके लिए वो उसके पास जाने से कतराती है, सो ये अपना आंसर है इसमें। अनपैलेटेबल कौन होता है, अनइनवाइटेबल और अनअपीलिंग कौन होता है, जेली स्लग। द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज द कैटरपिलर्स, कैटरपिलर्स क्या लाइक टू ईट अ लॉट, ईटिंग की बात की है नहीं, हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स वाइल की बात नहीं है, बट हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स यस, उनको उनके प्रोटेक्शन की पूरे पैसेज में बात करेगी, फीडिंग की भी नहीं और गुड एट ईटिंग की भी नहीं है, सो दिस इज अवर आंसर राइट। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज एंड द लास्ट पैसेज, द वर्ड्स द ओरिएंट एंड द ऑक्सीडेंट मीन, ओरिएंट का मीनिंग होता है, देखो ये दोनों भी लैटिन वर्ड्स हैं, ओरिएंट का मीनिंग जहाँ से राइज होता है, जहाँ से ग्रो होता है, जहाँ से बर्थ होता है, और ऑक्सीडेंट का मीनिंग होता है जहाँ पे सेटिंग होता है, मतलब जहाँ पे सनसेट होता है इन लैटिन वर्ड्स में, तो यहाँ पे मोस्टली ऑक्सीडेंट और ओरिएंट ये अगर हम देखा जाए तो सन राइज और सनसेट जिस डायरेक्शंस में होता है वो है ईस्ट एंड वेस्ट, सो ओरिएंट इज ईस्ट एंड ऑक्सीडेंट इज वेस्ट रिस्पेक्टिवली, अगर रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है कि इसी क्रम में हमें बोलना है, अगर ये दोनों आंसर सही भी है और लेकिन वो इस क्वेश्चन के क्रम में नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन का पहला जो है ओरिएंट मीन्स हमें देखना है बर्थ यानी कि ग्रोथ यानी कि सन के बारे में अगर बात की गई है तो ये सन राइज कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है, तो हमारा आंसर पहले ईस्ट आना चाहिए, और सनसेट है ऑक्सीडेंट वेस्ट, तो यहाँ पे हमारा आंसर वेस्ट बाद में आना चाहिए, सो रिस्पेक्टिवली का मीनिंग ये होता है, सो वी विल चूज एज बी एज अवर आंसर। देन द ऑथर बिहेव्स दैट द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप इन द 12th और 13th सेंचुरी वॉज नॉट वेरी ग्रेट बिकॉज, ऑथर बिलीव्स दैट द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप इन द 12th एंड 13th सेंचुरी वॉज नॉट वेरी ग्रेट, क्यों नहीं ग्रेट था,
इंडियन यूरोप की बात कहाँ की गई है यहाँ पे, 13th century. I think यानी कि author thinks that the difference say between India and Europe in the 12th and 13th century would not have been great. Differences have been intensified by this process of industrialization. Intensified means aggravate होना, बहुत serious हो जाना. तो industrialization is the cause of cause of aggravating the difference between India and Europe. So we have already our answer in here. Industrialization had not yet taken place. Oh, apni padhai nahi aage. Which has promoted material well-being tremendously. वो प्रमोट किया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको वो एक्चुअली आना बाकी था, उसको सिर्फ प्रमोट किया गया था. दैट वाज नॉट एक्चुअली हैड टेकन प्लेस एट दैट टाइम. सो नेक्स्ट, इन द ओपिनियन ऑफ द ऑथर, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज व्हाट? इंडस्ट्रियलाइजेशन इज, ये अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा तो ये हमें आंसर यहाँ पे मिल जाता है कि सी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात यहाँ पूरे इसमें अगर करेंगे तो, एंड विच इज़ डिस्ट्रॉइंग द लाइफ ऑफ द माइंड. सी मटेरियल वेलबींग ट्रिमेंडियसली एंड विच इज़ डिस्ट्रॉइंग द लाइफ ऑफ माइंड विच इज़ इन प्रोसेस ऑफ डिटोरियोरिएशन. तो ये दोनों भी बात है, सिर्फ इन्वायरमेंट डेट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय, मतलब ये अपॉर्चुनिटीज़ भी है, मतलब ये दोनों, मतलब अच्छी भी बात करी गई है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, एंड इट इज़ टॉक्ड अबाउट विच इज़ बैड इफेक्ट्स एंड द गुड इफेक्ट्स ऑफ दैट. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट बोथ, सी इट इज़ मोर ऑफ अ कर्स देन ब्लेसिंग्स. दोनों की बात की गई है, बट मोस्टली किसकी बात की गई है? चीफली मीन्स मोर बिकॉज. एनवायरमेंट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाई इट डज नॉट give time or opportunity to individuals to think. So if the life of the mind is not encouraged, then inevitable civilization collapses. So chiefly ये बात की गई है कि ये ज़्यादा curse ही है, right? More of a curse than a blessing. Then the author says that the mental life of the world is in process of deterioration because of the modern generation is. ये तो यहाँ पर simple and straight away answer दिया है, so which is not very difficult to find. Opportunity to individuals to think. If the life of the mind is not encouraged, then inevitably civilization collapses. In the opinion of the author, ये हो गया अपना, right? The author says, see, brought up in an environment unfavorable to the growth of the mental life, जो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, ये author ने क्या बोला है कि deterioration जो है, जो उसकी जो पूरी industrialization से modern generation का क्या हो रहा है, मतलब growth हो रहा है या deterioration हो रहा है, वो ज़्यादा विकास हो रहा है या बहुत ज़्यादा नीचे ही धंसते चले जा रहे हैं. तो ये है यहाँ पे जो आया है. इट डज नॉट गिव टाइम. सो ब्रॉट अप इन एन एनवायरमेंट अनफेवरेबल टू द ग्रोथ. ओके, देन लेन द लास्ट क्वेश्चन इज the title that best expresses the central idea of the passage is difference between Occident and Orient. No. Impact of industrialization on our civilization, yes. Mostly it is talked about the impact of the industrialization.
देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये दोनों की भी बात की है तो हम लोग एक को चूज नहीं कर सकते, बट इन टोटैलिटी वी कैन टॉक अबाउट द इम्पैक्ट एज इट इज द बेस्ट सजेस्टेड मैसेज और बेस्ट सजेस्टेड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. सो हियर वी एंड्स अवर सेशन. थैंक यू वेरी मच. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए.